जीवन में लग रहा हो कि मैंने पशुपति व्रत करके भी देख लिए, सारे उपाय इत्यादि भी कर कर देख लिए, जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना मेरी अटक ही जाती है, तो इस सरल से उपाय को करके देखिएगा। चार सरल उपाय हैं। जीवन में निश्चित ही आपको लाभ होगा, धन संपदा में वृद्धि होगी और विवाह संबंधी जो भी मन में कामना है सभी आपके पूर्ण होंगी। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। विशेष शुभ तिथियों में किए गए उपाय तत्काल फल देने वाले होंगे, तो आप सभी चाहे सोमवार को करें चाहे तो विशेष तिथियां जब भी आए तब कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई लोन चल रहा है, कोई कर्ज चल रहा है, कोई ना कोई परेशानियां पैसों से संबंधित आपके जीवन में चलते रहती है, तो गुरुजी द्वारा बताया गया बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ उपाय से कहेंगे यह आपको करना है। अब यह उपाय कम से कम 3 सोमवार आप सभी को करना है, तुरंत आप फल देखना प्रारंभ करेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी को एक जल का पात्र लेना है। जल के पात्र में आपको डालनी है हल्दी। जी हाँ, हल्दी डालनी है आपको, और डालने हैं चावल। चावल अगर पिसे हुए चावल है तो वह भी डाल सकते हैं, नहीं तो सामान्य चावल भी आप डाल सकते हैं। आप सभी को अपने कर्ज, अपनी जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो धन संबंधी परेशानी है, उन सभी का भान करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए वट वृक्ष के नीचे चले जाना है। वहां पर सबसे पहले आपको गोलबत्ती का एक दीपक लगाना है, घी का। बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह हल्दी मिश्रित, चावल मिश्रित जल जो है अपने रोग, कर्ज, पीड़ा, जो पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है कहीं ना कहीं दुर्घटना वाहन में, तो आप एक बार वट वृक्ष के नीचे 3 सोमवार के दिन या किसी भी शुभ दिन को देखकर 3 दिन लगातार इस उपाय को कर देखिएगा। वहां पर बटकेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा और अपनी पीड़ा भी जरूर से बोलिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहला उपाय मैंने गुरुजी की कथा से सुनकर आपको बताने का सरलतम तरीके से प्रयास किया है। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत सरल है, गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है। जिस घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बने हुए होते हैं किसी शुभ काम या किसी व्रत के दिन, खासतौर पर सोमवार का व्रत है, तो महिलाएं कुमकुम भी मस्तक पर लगाती हैं, तो घर में जन हानि नहीं होती, धन हानि नहीं होती। सिंदूर एक तरह से माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में है, धन धान्य में वृद्धि के स्वरूप में है, तो पवित्र सोमवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से या किसी भी दिन आवश्यक रूप से जो कुमकुम होता है ना, महिलाएं मांग में भरती हैं, माँ गौरा को हम समर्पित करते हैं, उसे आप सभी घी में घोल लीजिए। चाहे तो गंगा जल में भी घोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर के मुख्य द्वार पर तो जरूर से 2 स्वास्तिक आपको बना देना है, उनमें बिंदी भी लगाइएगा और 2 लाइन भी खींचिएगा, तब जाके स्वास्तिक परिपूर्ण माना जाता है। यह सरल सा कार्य आप किसी भी व्रत, सोमवार व्रत करते हैं तो उस दिन तो जरूर से कीजिएगा। अगर चाहे तो तिजोरी में बना सकते हैं, रसोई घर में बना सकते हैं, दुकान गल्ले में बना सकते हैं, श्रेष्ठ ही आपको परिणाम मिलेंगे, इनका कोई नुकसान होना नहीं है, तो करके देखिएगा। हल्की ही कथा में गुरु जी ने स्वास्तिक के बारे में बताया था जो कांवड़ जल के रूप में है। अब कांवड़ जल सभी के बस की बात नहीं है, अगर 2 लोटा कावड़ जल लाकर करते हैं तो भी अति श्रेष्ठ कहा जाता है, परंतु समय समय पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते रहना बहुत शुभ होता है। तो यह हो गया 2 उपाय, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अगर गुरुजी कहते हैं आपके पशुपति व्रत सफल नहीं हुआ, लाख उपाय करके देख लिए परंतु फल देने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय में चूक हो रही है, तो आप सभी को क्या करना है, शहद लेना है और लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र की संख्या आपकी इच्छा है, आप कितनी रखना चाहें या आपकी इच्छा पर आधारित है। साफ सुथरी बेलपत्र से ऊपर चढ़ी हुई भी, धुली हुई भी आप काम में ले सकते हैं। आप सभी को बेलपत्र की बीच वाली डंडी में पूर्ण रूप से शहद का लेपन करना है, ठीक है। बीच वाली पत्ती में पूर्ण रूप से शहद का लेपन करके अपनी हाथ की जो हथेली है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, हथेली से चिपका देता है और मन की कामना बोल देता है, हे महादेव कई उपाय करके देख लिए, रोग कर्ज मेरे मुक्त नहीं हुआ, जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां निरंतर बढ़ ही रही हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, ऐसा कहते हुए आपकी इच्छा है, आप कितनी बेलपत्र शहद में डुबो कर चिपकाना चाहते हैं, तो करके देखिएगा। इस उपाय से भी आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। यह हो गए सरल से उपाय। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की।
गुरु जी कहते हैं किसी न किसी स्वरूप में जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आपको खाए जा रही हैं किसी न किसी तरह से। आप सभी सावन के पवित्र सोमवार में कम से कम करने का प्रयास करें। हालांकि किसी भी विशेष सोमवार, अधिक मास में तो बहुत सारे सोमवार है, किसी भी दिन कर सकते हैं सोमवार के दिन। तो आप सभी को क्या करना है, गंगा जल लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को भी कम से कम सोमवार के दिन अगर आप करेंगे तो 3 दिन तक जो है उस जल को पीना है। आप सभी को गंगा जल लेकर जाना है और जल लेकर जाना है, चाहे तो अलग अलग ले जाए, चाहे तो एक ही पात्र में मिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहले आप गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करें, उसके पश्चात आप गणेश जी महाराज के साथ ही माता अशोक सुंदरी, श्री कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी का हस्त कमल समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर संपूर्ण गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करना है। गंगा जल समर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों का भी तारण होता है। अब गंगा जल जब बहता हुआ आपको अंतिम छोर में प्राप्त हो तो आप सभी को उसे झेल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और भारी से भारी रोग का आपको भान करते हुए कि महादेव मेरे जीवन में भारी रोग हो गया है, ऐसा आपको आभास करना है। और कम से कम उस जल जो आपने शिव पर चढ़ा हुआ नीर लिया है, गंगा जल मिश्रित जल लिया है, उसे कम से कम 3 दिन तक आपको पी लेना है। गुरु जी कहते हैं इससे आपके जीवन में जो रोग पनप रहे हैं ना, या कोई पहले से रोगग्रस्त है तो तुरंत उसके रोग कट जाएंगे। तो सरल सरल से उपाय थे, मैंने प्रयास किया आपको बताने का। इनमें से कोई सरल सा उपाय जो आपको लगे कि मैं बड़े सरलतम तरीके से इन्हें कर लूँगी, मेरा व्रत भी है और मैं आसानी से इन उपायों से पूरे परिवार को सुख प्रदान करूंगी, तो एक कोई सा सरल उपाय अपने लिए चुन लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आपने सुना ही होगा कि आवश्यक रूप से हम सभी को अपने घर में दुख दरिद्रता दूर करने के लिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो जल है वह समर्पित करना है, और शाम के समय में आवश्यक रूप से लक्ष्मी माँ की वृद्धि के लिए एक दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे आवश्यक रूप से सभी व्यक्तियों को जीवन में धन का आगमन हो, रोग कर्ज कटे, धन लक्ष्मी के आगमन के लिए सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक जरूर से लगाना है। हालांकि अधिक मास की पवित्र तिथियाँ चल रही हैं, अनेक जगह दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जैसे कि पीपल वृक्ष की जड़ में और घर के मुख्य द्वार पर, माँ तुलसी होती है घर के मुख्य द्वार पर, उन पर आवश्यक रूप से पितरों के नाम का कुल मिलाकर जितना अधिक दान पुण्य किया जाए, जितना अधिक जीवन को संवारने का कार्य किया जाए, यह कलयुग है, यहाँ पर कल ही प्राप्त हो जाता है। तो पवित्र सोमवार के दिन आप सभी को सरल से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सोमवार के दिन दीपदान के साथ साथ अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक समय का भोजन जरूर से आप दान करने का प्रयास करें। अधिक मास में दान की महत्ता सर्वश्रेष्ठ कही गई है, तो कोशिश करें इन सरल उपायों के साथ साथ आप सभी एक समय का अन्नदान जरूर से दान करें। निश्चित ही नवग्रह इससे प्रभावित होंगे, बहुत प्रबल होंगे, जीवन में धन संपदा की कमी दूर होगी और जीवन में आप जो चाहेंगे इन सरल से कार्यों को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से संभव हो, आप कुछ भी नहीं कर सके, कोई उपाय नहीं कर सके, तो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत का एक गिलास में निर्माण कर शिवलिंग के ऊपर जरूर से, यह सभी चीज़ें ग्रहों से संबंध रखती हैं, आपको अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर, परिवार के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर जरूर से करना चाहिए। इससे भी निश्चित ही आपको लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।